नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, बीकॉम क्लास फर्स्ट ईयर में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सहसंबंध। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टेटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकीय माध्य, जिसके अंदर हमने माध्य के बारे में पढ़ा कि सांख्यिकीय माध्य क्या होता है, परिभाषा उसकी पढ़ी थी। उसके बाद में हमने उसके प्रकार पढ़े थे, प्रकार चार पढ़े थे, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और वर्गीकरण माध्य। समांतर माध्य में हम चल रहे थे, तो समांतर माध्य में हमने तीन श्रेणियां देखी थी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हमने दो मेथड देखे थे, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति। अब बात करते हैं दोस्तों खंडित श्रेणी की, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर दो मेथड है, वही प्रत्यक्ष मेथड और लघु रीति। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष मेथड से ये एग्जाम्पल को हल करते हैं और आपको ये खंडित श्रेणी एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक सीरीज दी हुई है x की और उसी के बगल में एक सीरीज और है f की। x यानी कि जो दिए हुए हैं आपको, जो संख्या दी गई है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में दोस्तों आपको f यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती, आवर्ती जो आपको दी गई है वो है 14, 21, 25, 43, 51, 40, 39 और 12। अब आपको ये दो सीरीज दी गई है यानी कि खंडित श्रेणी है और आपको यह कहता है एग्जाम्पल में कि आपको खंडित श्रेणी दी गई है, समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको एफ एक्स करना है। एफ एक्स इस, इट मीन्स इस एफ को इस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले स्टेप करते हैं। 14 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 21 को 1 से किया 21, 25 को 2 से किया 50, 43 को 3 से किया 129, 51 को 4 से किया 204, 40 को 5 से किया 200, 39 को 6 से किया 234, 12 को 7 से किया 84। सबसे पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो एफ एक्स जो आपने ये प्रोडक्ट निकाले, ये गुणा करके इन सभी को आपको जोड़ना है और उन्हीं के साथ आपको ये जो f कॉलम दिया गया है यानी फ्रीक्वेंसी का, इसको भी आपको जोड़कर लिखना है। तो इसका जो योग है वो होगा 922 और फ्रीक्वेंसी का जो योग होगा वो होगा 245। ये स्टेप क्लियर हुआ। इसके बाद में आपको प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला लगाना है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है दोस्तों, या इसको हम n भी बोल सकते हैं। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया आपका 922 और सिग्मा एफ या n कितना है आपका 245। 922 में 245 का हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.76। ये हमारा खंडित श्रेणी का प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य है। अब इसी एग्जाम्पल को हम खंडित श्रेणी के लघु रीति से करते हैं। तो वही दो सीरीज आपको दी गई है, आपको जो तीसरी सीरीज है यानी कि तीसरा जो कॉलम आपको बनाना है वो कल्पित मानकर, x के अंदर जो सीरीज के अंदर जो संख्याएं दी हैं उनमें से एक संख्या को आपको कल्पित मानना है। तो हमने इस सीरीज के अंदर चार को हमने कल्पित माना, तो a बराबर 4 हो गया। अब इस x सीरीज में से इस a को घटाते हुए चलना है यानी कि x माइनस a, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये जो हमारा कॉलम निकल के आएगा इसे बोलेंगे हम dx, ये dx का कॉलम हमारे सामने आएगा। तो देखते हैं, 0 में से 4 गए माइनस के 4, 1 में से 4 गया माइनस का 3, 2 में से 4 गए माइनस के 2, 3 में से 4 गए माइनस का 1, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 4 गए प्लस के 1, 6 में से 4 गए प्लस के 2, 7 में से 4 गए प्लस के 3। ये dx का कॉलम आ गया। इसके बाद में हमें दोस्तों अगले स्टेप में क्या करना है, इस f कॉलम को इस dx कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो ये हमारा नया कॉलम आएगा f dx। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 56, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 42, 25 को 2 से करेंगे माइनस के 50, माइनस के 43, 51 को 0 से करेंगे 0, 40 को 1 से करेंगे 40 प्लस के 40, 39 को 2 से करेंगे प्लस के 78, 12 को 3 से करेंगे 36। तो इस प्रकार से ये जो एफ टी एक्स कॉलम है इसके प्लस प्लस के अलग रखने हैं और माइनस माइनस के अलग रखने हैं, फिर इनमें देखना है कि ज़्यादा किसका है, वही योग यहाँ पर आपको लिखना है। योग होगा वो माइनस का 37 होगा। तो अब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। लघु रीति का जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे
एन या सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे, ए का मान हमने कितना लिया था, चार, तो ए का मान रखेंगे चार, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, इसका योग कितना आया, माइनस के 37, तो माइनस के 37 बटे सिग्मा एफ या एन, तो सिग्मा एफ या एन कितना है, 245, तो 245। अब देखिए जो 37 है उसमें हमें 245 का डिवाइड करना है, उसके बाद में इस चार से हमें घटाना है। दोस्तों हमें 37 में 245 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1510। इस संख्या को इस चार में से माइनस करना है, क्योंकि ये जो बाहर प्लस का निशान है और अंदर माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो चार में से इस संख्या को हम माइनस करेंगे तो आएगा 3.84। तो ये हमारा खंडित श्रेणी का लघु रीति है, इससे पहले हमने पढ़ी थी प्रत्यक्ष रीति। आई होप दोस्तों आपको ये खंडित श्रेणी के सवाल समझ में आए होंगे और इनके ये जो सूत्र हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम समांतर माध्य की फाइनल विधि यानी कि सतत विधि पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारी समांतर माध्य विधि कंप्लीट हो जाएगी।